हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप लुक मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये जो लुक है, इसको क्रिएट करने से पहले मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन किया। अभी यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है, इस वजह से आपको फेस डल दिख रहा होगा। जो फाइनल लुक आप लोगों ने देखा, वो मैंने बिल्कुल लाइट के सामने खड़े होकर दिखाया आप लोगों को, ताकि एक एक शेड एंड फेस आपको दिखाई दे। एंड फाइनल लुक भी मैं आपको लाइट में दिखाऊंगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड इशू था, लाइट भी बहुत कम थी, तो मेकअप ट्यूटोरियल तो रियली सॉरी इसी लाइट में हो रहा है। बट अब मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, क्योंकि अब मैं जगह ही चेंज कर चुकी हूँ, अब मैं वापस आ चुकी हूँ अपने घर पे। सो फेस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखो, ब्राइडल मेकअप में क्या होता है कि आपको हैवी प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं, हैवी इन द सेंस फुल कवरेज प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं। तो जो लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, स्मच प्रूफ प्रोडक्ट है, वो आपकी स्किन में ड्राइनेस ज़रूर लाएंगे। तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद थोड़ी देर वेट करो, उसे अच्छे से एब्जॉर्ब होने दो। और अगर आपकी स्किन में एक्स्ट्रा ड्राइनेस है, तो आप फेशियल ऑयल भी यूज़ कर लो, या बेबी ऑयल यूज़ कर लो, या कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो, और उसके बाद ही अपना आगे का मेकअप स्टार्ट करो। सो मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाया है, जो कि प्राइमर स्टिक है फ्रॉम शुगर, और ये प्राइमर स्टिक अब ख़त्म होने वाला है एंड एक्सपायर भी होने वाला है। सो ऐसे प्रोडक्ट्स में गिल्ट नहीं होता है कि यार प्रोडक्ट वेस्ट हो गया वाला। फिर मैंने लिया यहाँ पे स्ट्रोब क्रीम। तो ये जो है ना, पंप पैकेजिंग है, बट एयर पंप है, बट वो ओपन नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको डायरेक्टली ओपन कर लिया ट्यूब को। और मैंने इतना ही प्रोडक्ट लिया है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, बट फाइनल लुक में आपको थोड़ा सा ग्लोई दिखाई दे रहा होगा मेकअप। तो मैंने इसको पूरे फेस एंड नेक पे ब्लेंड किया, एंड ब्लेंड करने के बाद ये जो रोज़ गोल्ड शीन आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये रोज़ गोल्ड शेड का है। एक और शेड है सिल्वर शेड का, जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, एक बार दोनों को मिक्स करके ही यूज़ किया था। एंड ये ग्लो ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, एंड ग्लो ही ब्राइडल मेकअप तो आजकल गर्मियों में भी बहुत ही अच्छा लगता है, एंड इससे आपकी स्किन भी ना हाइड्रेटेड दिखाई देती है। आई मेकअप के लिए मैंने सोचा कि मैं वाइट बेस यूज़ करूँ, तो मैंने ये क्रायलॉन का टीवी पेन स्टिक लिया वाइट वाला, और इसको अपने आईलिड पे लगाया। एंड इसका एक डिज़ास्टर मैं आपको बताऊँगी, आप आगे देखेंगे। कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैंने पूरे आईलिड पे इसको प्रेस किया, फिर इस ब्रश को थोड़ा सा क्लीन किया, क्योंकि मैं ये ब्रश आगे भी यूज़ करने वाली थी। फिर जब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया, तो इस ब्यूटी ब्लेंडर ने पूरा ही अब्सॉर्ब कर लिया। वाइट बेस का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, आईज़ मेरे वाइट के बजाय ग्रे दिखाई दे रही थी। तो यही रीज़न है, जब आप कलर करेक्टर अप्लाई नहीं करते हो, तब आपका मेकअप ग्रे दिखाई देता है। एंड मैंने आईलिड पे कलर करेक्टर नहीं लगाया था ना, इस वजह से वो ग्रे दिखाई दे रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, ग्रे को छुपाने के लिए मैंने स्किन टोन की शेड का पाउडर ले लिया, और उसी से अपने आईलिड को सेट कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट किया, उसके लिए मैंने ये पीची पिंक शेड लिया, जो कि प्योर मैट शेड है, और एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पूरे क्रीज पे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। क्रीज को अच्छे से डिफाइन करना है, तो क्रीज पे ब्लेंड करने के लिए अगर आपको 2 मिनट का टाइम भी लगता है, तो भी आप लोग 2 मिनट सुनने में आसान है, बट अब अगर आप टाइमर लगाकर 2 मिनट तक आंखों पे ब्लेंडिंग ब्रश रन करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि 2 मिनट वाकई में बहुत लंबा होता है। फिर मैंने थोड़ा सा डीप पिंक शेड लिया, और उसको लेकर क्रीज को थोड़ा सा कंटूर किया, थोड़ा सा डीप किया कंटूर को, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। अब उसके बाद मैंने ये जो डीप शेड है, उसको थोड़ा सा पहले वाले शेड में मिक्स भी करने की कोशिश की, ताकि कलर जो है डिफरेंट ना दिखाई दे। अब मैं एक डिफरेंट शेड ले रही हूँ, इसको मैंने ब्लेंड करने के लिए स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ किया, ताकि ये जो शेड है वो क्रीज से बाहर बिल्कुल भी ना जाए। एंड आप देख सकते हो, पिंक के साथ जो है मिक्स होकर ये थोड़ा सा अलग ही शेड बना ले रहा है। फिर मैंने ये पिंक शेड लिया डीप वाला, और उसको पूरे आईलिड पे स्प्रेड किया, क्योंकि इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ग्लिटर, और ग्लिटर के लिए चाहिए होता है एक बेस। अगर आप प्योर ग्लिटर अप्लाई कर देंगे, तो आपका जो ग्लिटर है वो अच्छे से फ्लॉन्ट नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ पे गोल्डन ग्लिटर लिया, और इसको इनर कॉर्नर पे बस लगाया। आप देख सकते हो इनर कॉर्नर पे, यहाँ पे मैंने इसको लगाया, एंड पिंक की वजह से वो पिंक फ्लैश कर रहा है, बट इन पर्सन वो गोल्डन ही दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही आंखों पे लाइट पड़ेगी वो पिंक भी दिखाई देगा। फिर मैंने यहाँ पे ये पिंक वाला ग्लिटर लिया फ्रॉम बॉम्बे वैनिटी, जो कि मैंने इंस्टाग्राम से मंगाया था, एंड काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखने के बाद इसको मंगाया, एंड इट इज़ रियली नाइस।
फिर मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया, फ्लैट आई शेडो ब्रश बोल सकते हो आप, या फिर एक कंसीलर ब्रश भी ले सकते हो, और इसी की हेल्प से पूरे आईलिड पे इस ग्लिटर को स्प्रेड किया। जहाँ पे मैंने गोल्डन ग्लिटर लगाया था वहाँ पे नहीं लगाया, बट गोल्डन ग्लिटर भी पिंक बेस की वजह से पिंक फ्लॉन्ट तो हो ही रहा था। सो ये दोनों शेड ना बहुत ही प्यारे लग रहे थे लाइट फ्लैश करने पर। और ये जो ग्लिटर है ना, ये फुल कवरेज दे देता है। अगर आप बेस नहीं भी लगाओगे, जैसा कि मैंने पिंक बेस लगाया था, अगर आप वैसा पिंक बेस नहीं भी लगाओगे तो भी बहुत ही प्रिटी दिखाई देगा। आई मीन डायरेक्टली कंसीलर के ऊपर लगाओगे तो भी बहुत प्रिटी दिखाई देता है। अब मुझे अपना अंडर आई एरिया थोड़ा सा करना था करेक्ट एंड कंसील, उसके बाद में बाकी का आई मेकअप करूंगी। सो ग्लिटर क्या होता है ना, फॉल आउट्स होते हैं, ग्लिटर बहुत झड़ते हैं, इस वजह से मैंने आई मेकअप पहले किया और उसके बाद मैं अपना फेस मेकअप करूंगी। बिकॉज आई मीन पहले तो मैं हमेशा फेस मेकअप ही करती हूँ और बाद में आई मेकअप करती हूँ, बट जब ग्लिटर या फिर बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक स्मोकी आई ब्लैक वगैरह करना होता है तब आई मेकअप पहले कर लेते हैं। फिर मैंने ये जो ब्यूटी ब्लेंडर पे लिया ना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, वो इसलिए लिया क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर जो है काफ़ी सारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर ले रहा था, जैसा कि आपने देखा जब मैंने वाइट बेस लगाया था। तो ये कलर करेक्टर है, ये स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड है, इसलिए ये कलर करेक्टर की तरह भी यूज़ हो जा रहा है। पहले मैंने ब्रश से सिर्फ अप्लाई किया और अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, तो ब्यूटी ब्लेंडर पर भी मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ले रही हूँ ताकि जो मेरी आईलिड पर हुआ वो अंडर आई एरिया पर ना हो। अब मैंने यहाँ पे ले लिया अपने स्किन टोन वाला शेड जो कि है FS38 फ्रॉम क्रायलॉन, और ये जो है ना ब्राइडल बेस के लिए मेरा फेवरेट है। एंड इसके अलावा कोई भी हाई एंड मेकअप मैंने ट्राई भी नहीं किया है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। एंड पर्सनली भी अगर मैं कम इसको अप्लाई करूँ बहुत कम क्वान्टिटी में तो बिल्कुल लो कवरेज एंड इवन टोन स्किन मिल ही जाती है। वैसे है ये फुल कवरेज एंड आप देख सकते हो मैं इसको बस ना हल्का हल्का अपनी स्किन पे टच कर रही हूँ, बहुत प्रेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये क्रीमी है, बट ये स्टिक फाउंडेशन है एंड थोड़ा सा ड्राइनेस साइड पे आ जाता है, इसलिए मैं इस तरीके से इसको ब्लेंड करूंगी जैसा आपको मैंने हाथों पे करके दिखाया, बस ऐसे लाइट स्ट्रोक्स में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ताकि मेरे फेस पे जो फेशियल हेयर्स हैं वो फाउंडेशन में फंसे नहीं, फाउंडेशन में स्ट्रोक्स ना दिखाई दे उनके, इसलिए हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है ना, आप डिफरेंस देख सकते हो। अब मैं आगे यहाँ पे जो फाउंडेशन ब्लेंडिंग वाला एरिया है उसको कर दूंगी थोड़ा सा फास्ट ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आई एरिया को मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि आई एरिया पे हम कंसीलर अप्लाई करेंगे, वैसे ये जो स्टिक फाउंडेशन है ये कंसीलर की तरह भी हम अप्लाई कर सकते हैं, तो हम देखते हैं हम क्या अप्लाई करेंगे। नेक पे भी मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, नेक का एरिया फेस के एरिया से बड़ा होता है एंड फेशियल हेयर भी नेक पे बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पे आप लॉन्ग स्ट्रोक्स में ब्लेंड कर सकते हो। फॉरहेड पे हेयर की डायरेक्शन इस तरीके से होती है आपके आईब्रो के ग्रोथ के डायरेक्शन में, तो उसी तरीके से करना है एंड हेयर लाइन पे ज़रूर अप्लाई करना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया ब्यूटी ब्लेंडर में थोड़ा सा प्रोडक्ट और नोज़ पे मुझे कवरेज कम लग रहा था तो मैंने नोज़ पे अप्लाई किया एंड बाकी एरिया पे जो ब्रश के स्ट्रोक्स है ना वो अच्छे से हाइड हो जाए, अच्छे से प्लेन हो जाए, इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एक फाइनल ब्लेंडिंग दी है। तो जब भी आप ब्रश से अप्लाई करते हो या ब्रश से ब्लेंड करते हो तो ब्यूटी ब्लेंडर से एक फाइनल टच जरूर देना ताकि HD कैमरास वगैरह में ना आपको ब्रश के स्ट्रोक्स ना दिखाई दे, राइट। एंड ब्यूटी ब्लेंडर इज द मस्ट फॉर मेकअप। अब अंडर आई के लिए मैं इसको अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीजिंग होती है मेरी आईज पे एंड मैंने जो मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है वो काफ़ी नहीं है इस मेकअप के लिए। एंड एज यू नो मैं ट्रैवल मोड में थी तो मॉइस्चराइज़र जो मेरे पास था मैंने वही यूज़ किया, अदर देन दैट मैं डीप मॉइस्चराइज़र यूज़ करती अगर वहाँ पर मेरे पास होता तो। फिर मैंने यहाँ पे लिया एक बिल्कुल ही स्किन टोन वाला कंसीलर, ये है एले गर्ल का लिक्विड कंसीलर एंड आई थिंक इसका शेड भी बेज है। फिर मैंने जो आउटर कॉर्नर है ना आईज का वहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन किया है ताकि जो मेरा आई मेकअप है ना वो बिल्कुल शार्प एज वाला दिखाई दे। एंड ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप अंडर आई सिर्फ कंसील करने के लिए भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो और अगर आपको आई एरिया को थोड़ा सा आई शेडो को शार्प लुक देना है तो आप वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। जॉ लाइन के पास मैं भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मैं कंटूर अप्लाई करूँगी वो क्लीन दिखाई दे। ब्यूटी ब्लेंडर का जो क्लीन एरिया वहाँ से मैं ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि दूसरी साइड पे थोड़ा दूसरा ही शेड लगा हुआ है वो मिक्स हो सकता है, इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर इतना बड़ा रहता है आपको सारे एरियाज को अच्छे से यूज़ करना है।
एंड इसमें जो पॉइंटेड एज दिया ना उसकी वजह से आई एरिया पे ये जो शार्प लाइन बना रही हूँ मैं वो बहुत ही इजी हो गया। एंड यू नो सिर्फ 80 रुपये का है ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है, पर्पल से लिया था मैंने। प्रो टिप कि आप एक बनाना पाउडर यूज़ करो अपने आई मेकअप को सेट करने के लिए, क्योंकि जब भी आपके फेस पे कैमरास की फ्लैश लाइट पड़ेगी मेकअप जो है फ्लैश होता है और शेड्स सारे दब जाते हैं। और अगर आप बनाना पाउडर यूज़ करोगे तो वो बहुत ही अच्छा लुक देता है एंड आपके फेस को लॉन्ग लास्टिंग भी बना के रखता है, मेकअप को एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करता है। तो अब आप देख सकते हो मैं अपने फेस पे बड़े पाउडर ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पे सेट कर रही हूँ। उसके बाद मुझे ये सेटिंग स्प्रे करना था स्प्रे, तो मैंने लिया अपना एक कॉटन रुमाल और उससे अपने आई एरिया को कवर कर लिया, क्योंकि मैंने ग्लिटर्स लगा के रखे थे। अदर देन अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं बेस मेकअप करने के बाद पहले सेटिंग स्प्रे करती हूँ और उसके बाद ही आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ। आईब्रोज के लिए सबसे इजी वे है ब्राउ जेल, ये है ब्राउन शेड का ब्लू हेवन का ब्राउ जेल जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया एंड मेकअप करते करते थोड़ी प्यास भी लगने लगी, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप एक ब्राइड हैं तो आपको बीच बीच में पानी एंड फ्रूट्स तो खाते रहना है, पानी पीते रहना है, स्नैक्स लेते रहो, क्योंकि ब्राइडल मेकअप में लगता है टाइम। मेकअप में टाइम नहीं लगता है तो हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग ये सब में टाइम लग जाता है, इसलिए अपने वाटर इनटेक का भी आपको ध्यान रखना है। आईब्रोज बहुत इजीली हो जाते हैं ऐसे ब्राउज वाले जो मस्कारा टाइप के वॉन्ड में मिलते हैं, बहुत इजी। अब यहाँ पे मैं आईलाइनर यूज़ करने वाली थी बट मैंने सोचा यार ग्लिटर अप्लाई किया हुआ है तो विंग आईलाइनर नहीं बनाते, सिंपल सी आईलाइन क्रिएट करते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप हो जाएगा, ओवर मेकअप हो जाएगा। तो ये इसका जो पेन का निप था ना वो बहुत ही मोटा है, तो इस वजह से मुझे ये अप्लाई करने में थोड़ा सा मुश्किल जा रहा था, क्योंकि ये आईलाइनर पेन मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, ये स्विस ब्यूटी का आईलाइनर पेन है। इससे पहले जितने भी मैंने आईलाइनर पेन्स यूज़ किए उसकी निप काफ़ी पतली एंड प्रिसाइज होती थी, ईजीली अप्लाई करते बन जाता था, बट इस पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं मोटी लाइन ना बन जाए। ऑल्दो ये विंग आईलाइनर वाला पेन है तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस का निप दिया है इन्होंने, बट मैं यहाँ पे इससे पतली सी आईलाइन बना रही थी तो उसके लिए मुझे मुश्किल हो रही थी। सो बहुत धीरे धीरे से मैं आईलाइन बना रही थी, सेंटर से मैंने इनर कॉर्नर की तरफ डैश डैश करते हुए मूव किया अपने हाथों को, फिर वापस सेंटर पे आके डैश डैश करते हुए आउटर कॉर्नर पे, एंड बिल्कुल पतली सी विंग बनाई, बहुत पतली सी एक लाइन आउटर आई एरिया पे क्रिएट की जो कि मेरे आईलैशेस से मैच करे। फिर मैंने लिया ये मस्कारा एंड इस पे डबल मस्कारा दिया हुआ है, तो पहले मैं एक साइड का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ और एक्सेस को आप इस तरीके से क्लीन कर लो ताकि आपका मस्कारा स्मज ना हो एंड लगाने में कोई गड़बड़ी ना हो। जस्ट एक कोट ही लगाया मैंने सेंटर पे, साइड पे और फिर इनर साइड पे, एंड पहली बार यूज़ किया मुझे बहुत अच्छा लगा ये मस्कारा, बट स्टिल मेबलिन द कोलोसल मस्कारा इज़ द बेस्ट फॉर ब्राइडल मेकअप, लैशेस बहुत अच्छे से सेपरेट करता है। अगर आप फॉल्स लैशेस नहीं लगाने वाले तब तो आप वही यूज़ करना। फिर मैंने यहाँ पे ये जो शेड है डीप शेड का है तो मैंने सोचा इसी से मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, बट जब मैंने इसको लगाया तो ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा था स्किन पे, तो फिर मैंने पाउडर से भी किया एंड इससे मेरा कंट्रोल लॉन्ग लास्टिंग हो गया। रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, यहाँ पे पीछे ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है तो वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग मेरा मेकअप वीडियो देखते हुए एंजॉय करो। मैंने ये डीप शेड का ब्राउन पाउडर लिया कंटूर वाला और इसको हल्के हल्के से लगाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप शेड है, एंड फिर हल्के से दोनों साइड पे लगाने के बाद उसको ब्लेंड किया। ब्रश पे दोबारा मैंने कोई प्रोडक्ट नहीं लिया, बस उसको ब्लेंड किया, जहाँ पे मुझे कम लग रहा था वहाँ पे सिर्फ हल्का सा ब्रश को प्रोडक्ट पे टच किया और ब्लेंड किया। नोज़ पे भी कंटूर किया ना, आप देख सकते हो कितना डीप कंटूर है, एंड नोज़ का कंटूर मैंने ब्लेंड कर लिया। जॉ लाइन पे भी हल्का सा बस ऐसे स्ट्रोक दिया और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको ब्लेंड कर दिया। नेक पे भी आप अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, इससे आपकी नेक ना लंबी दिखाई देती है एंड जब आप ज्वेलरी कैरी करते हो तो आपकी नेक का लुक बहुत ही अच्छा आता है।
स्विस ब्यूटी का ही ये लिप एंड चीक टिंट लिया था मैंने। ये भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड था एंड आई वॉज स्कैर्ड कि अब मैं इसको कैसे क्लीन करूँ, क्योंकि ये क्रीमी ब्लश है। तो मैंने इसको ब्लेंड किया एंड वाव, मैजिकली ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो गया। वरना मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मेरा पूरा मेकअप लुक ख़राब ना हो जाए सिर्फ इस ब्लश की वजह से। फिर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको हल्का सा डैप किया इस वजह से, ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग बने रहे एंड एक्सेस प्रोडक्ट जो है ब्यूटी ब्लेंडर एब्जॉर्ब कर ले। वार्म ब्राइडल मेकअप हो गया है ये, क्योंकि जो कंटूर था वो भी वार्म शेड का है, ब्लश भी वार्म शेड का है। एंड उसके बाद मैंने हाइलाइटर को थोड़ा सा कूल लेने की कोशिश की, तो ऊपर के जो दो शेड्स हैं कंसीलर ब्रश पे ही लिया, एक्सेस को मैंने हाथों के पीछे रब कर लिया और उसके बाद बस एक स्ट्रोक की तरह लगाया, फिर प्रेस करते हुए उसको लॉन्ग लास्टिंग बना लिया। नोज के ब्रिज पे तो लगाना ही है, लिप्स के ऊपर ज़रूर हाइलाइटर लगाना अगर आपको आपकी लिपस्टिक बिल्कुल पाउटी लुक में चाहिए तो। फिर मैंने यहाँ पे भी लगाया ये जो ब्राउ बोन है, ताकि मेरा आई मेकअप लुक कंप्लीट हो जाए। एंड आपने नोटिस किया होगा कि मैंने लोअर लैश लाइन पे कोई भी आई मेकअप नहीं किया, सिर्फ मस्कारा को ही कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैंने आई पे ग्लिटर लगाया हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ग्लिटर हाईलाइट हो। अगर मैं लोअर लैश लाइन पे भी आई मेकअप कर लूंगी तो ग्लिटर का लुक थोड़ा सा दब जाएगा आई थिंक सो, क्योंकि आईज मेरी थोड़ी बड़ी ही है। अगर आपकी आईज छोटी है तब आप लोअर लैश लाइन पे भी आई मेकअप कर लेना, आई शेडो वगैरह ब्लेंड कर लेना, जो कि आप मेरे दूसरे वीडियोज में देख सकते हैं कि कैसे करना। दो लिपस्टिक लिए मैंने, पहली लिपस्टिक से मैंने मोटी सी लाइन बनाई लिक्विड लिपस्टिक से, और ये है वेलवेट मैट लिपस्टिक फ्रॉम माइग्लैम। फिर मैंने ये लाइट शेड का, सेम पिंक शेड ही है बट ये पाउडरी मैट फिनिश देता है, मनीष मल्होत्रा का लिपस्टिक। अब यहाँ पे मेरा मस्कारा सूख गया था तो मैंने सोचा मैं दूसरा लेयर लगा लूँ, और इस मस्कारा का जो दूसरा साइड था विच इज लेंथनिंग, फर्स्ट साइड मैंने वॉल्यूमाइजिंग लगाया था, मैंने लेंथनिंग लगाया। और कभी भी आप मस्कारा डबल लेयर करते हो तो फर्स्ट लेयर को सूखने दो, उसके बाद ही दूसरी लेयर लगाना। लिपस्टिक मैंने जो सेंटर पे जगह खाली थी वहीं पे लगाया, क्योंकि लिप लाइन तो मैंने लिक्विड से बना ली थी। आप चाहो तो लिप लाइनर भी यूज़ कर सकते हो, बिंदी आपकी चॉइस है, आप छोटी लगाओ बड़ी लगाओ। अब मैंने यहाँ पे लगा लिया सिंदूर, क्योंकि मैं कर रही हूँ एक वेडिंग रिसेप्शन ब्राइडल मेकअप लुक एंड बिंदिया आप कैरी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगा कि इतना हैवी सा बड़ा सा सेट है तो बिंदिया कैरी करने से कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा। एंड प्लीज़ इग्नोर माय बेबी हेयर, आई कांट हेल्प इट, सेटिंग स्प्रे से भी वो नहीं जाता, ये मेरे नेचुरल हेयर हैं, पैदाइशी हैं तो ये ऐसे ही रहने वाले हैं। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक, लाइट थोड़ी सी कम है सो लेट मी शो यू इन द लाइट, इन फ्रंट ऑफ लाइट, एंड अब आप देख सकते हो मेरा मेकअप लुक थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड दिस इज़ द साड़ी। वेल, मेरी मम्मी की साड़ी है ये, उन्होंने मेरी सिस्टर की शादी के लिए लिया था एंड ये बहुत ही प्रिटी लुक दे रहा था। प्लीज़ कमेंट योर सजेशन एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल।